भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में गुरुओं ने भक्ति सिखा सिखा के जड़ बुद्धि बनाया, या बुद्धि को कहते हैं बनाया बुद्धि बनाई दिया, पत्थर बुद्धि बनाई, वो क्यों कहेंगे कि प्रश्न पूछो? कल बुद्धि आई थी बाप, तो आप भरी सभा में आगे कहते हैं खूब प्रश्न पूछो बाबा, इंग्लिश तो मम्मी गुणा कर दिया था, पहले हम लोग कहते हैं मतलब मेरी क्वेश्चन कह रहा हूँ ना बाबा, बड़ा क्वेश्चन कह रहा हूँ। और भक्ति मार्ग में 63 जन्म किसी गुरुओं ने अपनी भरी सभा में ऐलान नहीं किया कोई प्रश्न पूछो, भक्ति मार्ग में अभी चल रहे यार में मेरी क्वेश्चन सब कह रहा हूँ यार में सब नहीं किया मेरी सभी ने लेकिन अभी एडवांस में जो बहुत खुशी में हूँ, अभी तो मेरा कोई क्या जीवन के अनुसार ज्ञान में चलने वाले को खुशी ही खुशी बढ़ेगी यार, में श्रीमंत बड़ी मेरा खुशी ही खुशी आ गए। और एडवांस में आने के बावजूद भी इतना ढेर सारा ज्ञान मिलने के बावजूद भी बरखिलाफ चलेगा तो दुखी ही दुख बढ़ेगा। विदेशी धर्म कंडा अनेक है, उसके समान यहाँ भारत में दर्शन भारत को बाबा ने विदेश करते हैं, और तो विदेश धर्म कंड के समान यहाँ कौन कौन श्रेष्ठ होगा, समान जो अच्छा पुरस्कार करेगा तो श्रेष्ठ होगा, जो अच्छा संगठन बना के दिखाए तो श्रेष्ठ होगा, क्या यूनिटी की प्योरिटी से बनेगी ना, तो जिसकी प्योरिटी ज्यादा होगी वो श्रेष्ठ होगा। यशोदा और नंद बाबा की प्योरिटी ज्यादा थी तो उन्होंने यूनिटी बना ली, अब भगवान भी उनकी संरक्षण पलता रहा, अकल्प का विनाश कर दिया। अगर उन्होंने पालना न दी होती तो कल्प का विनाश कैसे होता? हरे मंगल इसलिए ये है कि हमने बाल बच्चों के मुंह में से दूध निकाल करके जमीन खरीद ली, और फिर और खींच खांच करके फिर हमने जमीन में मकान बना दिया, तो वो खींचना हो गया है, तकलीफ नहीं। तो बाबा का मकान राम को राम मंदिर बनाना, मंदिर बने घर, राम को अपना घर बसाना होगा तो राम अपने आप करेगा, हमें क्या चिंता। जैसे भक्ति मार्ग वाले होते हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर तोड़ने नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर बना के दिखाएंगे। अरे राम मंदिर राम बनाएगा या तुम बनाओगे? राम को जब अपना घर तैयार करना होगा तो जैसे और मेरी बच्चों जब खुलने रहते तो खुल गए, चंदा करने की इशारा देने की लता है बाबा, ये भाई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनको तो शादी शुदा होकर 3 साल हो गया, पर मैं तो वो उसका पत्नी को तो बुला रही लेकिन वो आ नहीं पाई है, लेकिन अभी तो ड्राइवर सबसे खराब है इसका, तो डाइवोर्स करने जा रहे हैं इसलिए तो बहुत दुखी है, अभी डाइवोर्स हो गया नहीं नहीं होने वाला है, हाँ वो तो बहुत क्वेश्चन प्रश्न हो रहे हैं,
इसको उसका सब कैसे जीवन जीता नहीं ये ऐसा पूछने का क्वेश्चन तो बहुत सारों का है, इसलिए तो इसको कैसे जीवन जीताना ऐसा तो बोल देना बाबा। कैसा जीवन माना? हाँ वो तो मना कर रहे हैं, ये तो ज्ञान में आने के लिए बुला रहे हैं, बाद में तो ड्राइवर क्यों बुला रहे हैं यहाँ ये कूप रही है बच्चा का क्या हालत होगा? अभी एक बच्चा भी है, उसका हालत क्या होगा? तुम्हारा भगवान बाप ने कहाँ चला गया? उनका अपन इनके पोईटा मन बाबा के ग्रंथ अपन इनके पोईटा मन केस में अपन इनके वो बोल रहे बाप तो इधर ही नहीं है ये उनके लिए उनकी चिंता है ये उनका अल्लाह बहुत बढ़िया पागल में चला गया है ना फ्रेंड वंद बाल तो बंद किया है ना अभी ना मैंने आना करने को वो तो लड़की है मतलब किस लड़की की संतान इसलिए क्या करे करके पूछ रहे हैं लड़की है तो और अच्छी बात है लड़की तो शादी आदि कुछ नहीं करनी पड़ती फोन में समान नल्ला था ना फोन दिया था वो है कल्याण बच्चे की पढ़ने वाला ना इन्हें नल्ला था ना बाबा सुन रहा है वो तो अभी इसका तो पत्नी तो इनको छोड़ दो और दूसरा जगह में उसका माँ का घर में चला रही है इनकी पत्नी। हाँ खुशियाँ गए हमको हमको प्रसन्न हो जाए वो पूछ रहे वो डाइवर्स के सब जा रहे थे मैं रात में भेजू डाइवर्स करके पूछ रहे जब तो मांग रही है कोर्ट में दाखिल हो गई तो जबरदस्ती क्यों मांगा होगी करना कोर्ट में ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀನು ಒಂದು ಏ ಒಂದು ರೊಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಕುಟುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೋನ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ತಾ ಇಸ್ಕೋ ದೇನಾ ಏ ಇಸ್ಕೋ ಇಸ್ಕೋ ದೇನಾ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ ರೇ ಇಸ್ಕೋ ಓ ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಯಾ ಪತ್ನಿ ಕೋ अंदर वो इनका तो बच्ची पैदा हुआ ना बाबा लड़की वो तो पूछ रहे हैं इसका तो एक प्रॉपर्टी का इतना उनको देना करते लड़की जब बड़ी होगी तभी तो प्रॉपर्टी घंटा बनेगी एक पुणा पुण्य कंडीपा होगा उनको तरीके चल रहा बाबा அது இதனால வந்து இப்ப மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் மாதாஜி தெரியும் இப்ப ரெண்டு பார்ட்டி அவங்க ஒரு இருபது குரூப் இருபது பேர் கூட்டுக்கறாங்க எங்க ஊர்ல வந்து இதை பஞ்சாயத்து பண்றோம் அப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகி இப்ப அவங்க வந்து பணம் வளாதுன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு 5000 படித்தாங்க நான் ஒரு 5000 சொல்லிட்டோம் அப்ப அவங்க போலீஸ்ல காசு கொடுக்கணும் சரியே காலி பண்ணி போங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு போங்க அப்பயே எழுதி கொடுங்க அப்படின்னாங்க அப்ப எங்க ஊர்ல இருக்கவங்க இப்பெல்லாம் எழுதி தர முடியாது ये भाई बोल रहे वो पतली लोगों का बोला 15,000 तो खर्चा किया ये भाई तो 5,000 खर्चा किया पुलिस स्टेशन में बाद में तो वो लोग बोल रहे अभी तुरंत लिख के देके देना करके बोल रहे खुशी बात है रोम संतोषमान विषय मन बाबा सुन रहा है दुखमान विषय मन इसको तो बहुत अच्छा पीट मारा आदमियों को रखे इसको तो अच्छी दबाई करके बोल रही है इतना तो मार्क आया भाई तो बहुत मार्क आया बहुत सारा इसको तो मार्क खिलवाया तो मोह की वजह से आया ना मोह हत्या अड़ी वांगे बाबा के साथ वही सच्चे करके बोल रही है
दो तीन महीने मेरा तो मन इतना खराब हो गया था, ये तो अभी तो इधर आने से अभी बहुत फ्री हो गया मैं। बाबा का मुझे वो आंसर है कि अभी बहुत फ्री हो गया करके बोल रहे भाई। और हमारी मालवी है हम लोग का मिल जाना है वो कुछ नहीं कि मत ठीक है अभी भी गया है दो महीने का है इतना नहीं था तो ये अकाउंट आ रही है हां लेकिन अभी 3 साल से आती ही नहीं लेकिन उससे शादी करके बेच सकते हैं क्या माता जी पूछती है शादी करना चाहती है शादी करो ज्ञान में चलना चाहती हूँ तो ज्ञान में चलो ज्ञान में भी नहीं आती नहीं आती तो शादी करना चाहती हूँ शादी करो बाबा ये भाई पूछ रहे हैं वो तो उसका तो बहन है बहन बहन नहीं ये भाई था वो बहन नहीं वो तो भाई बोल रहे वो अभी शादी के लिए देख रहे लेकिन वो लड़की बोल रहे मैं शादी शुदा नहीं करूँगा इसलिए तो घर में तो थोड़ा झगड़ा बगड़ा हो रहा है क्या करूँ इसका तो कितने साल की होगी यौन वर्ष है वर्ष मान लो 20 साल स्वतंत्र फ्रीडम इरुक्कींगा नींगा वंदु यार वंदु तरस निर्त मुडियुम நீங்க எல்லாத்துக்கிட்ட பண்ணுங்க உங்களை யாரும் விடுறாங்க நிச்சய பத்திரம் கிடைச்சிட்டாலே உங்க அப்பா கிடைச்சிட்டாங்க அப்பா சொல்றாங்க அப்பா கிடைச்சிட்டாங்களா பாபா கேட்டு பாபா கேட்கறாங்க இதை கிளாஸ் மேல ஆனே கே நீ ஒரு லோக நீ தே ரே இதர கிளாஸ் மேல நீ ஆனே தே ரே ઘર મે નહીં કરને દે રહે સબ કુછ નહીં કરને દે રહે જબ બહાર નીચે પત્ર લેકર કે આ ગઈ કે હમે બાપ મિલ ગયા અદલી பாபா நகலி வந்து பதி ஹுயி பாபா இப்ப நான் கேக்குறவங்களுக்காக எங்க போன அந்த பொண்ணு பாபா அதுக்கு சொல்லணும் அப்பா எங்க நீங்க வந்து பேப்பர்ல வந்து பொய்யான நிச்சய பத்திரம் எழுதிட்டீங்களா பாபா கேட்டாங்க உண்மைதானே சச்சு தானே சச்சு பாபா சச்சு பாபா சச்சு பாபா பச்சா நீங்க வந்து உண்மையான பத்திரம் எழுதிருந்தா நீங்க வந்து இந்த கேள்வி வந்து கேட்கறதுக்கு வேலை இல்ல பாபா சொல்றாங்க போயிடுறியா அவ்வளவு உறுதி இருக்கான் பல் இருக்கான் நிச்சயம் இருக்கான் ஓடி போயிடுற பாபா வீட்டுக்கு பூச்ச அப்படி பாபா மேம் ஜானக்கலி தும்ப ஹிம்மத்தை கற்க மே பூச்ச अच्छा मैं जहाँ जाऊंगी करके बोल रही हूँ लड़की लेकिन जाएगी तो हाँ जाएगी जाने के लिए वहाँ एक माता चाहिए हाँ नहीं तो फोन कर देता और माता तो रहे माता का बिना माता की जाएगी तो वहाँ से भगा देंगे साथ में माता चाहिए किधर माता लेते हैं ना किधर से माता लेते हैं हाँ जी माता किधर मिलते वो रोटेट करने वाली माता पहुँचाने वाली माता पहुँचाने वाली माता
उधर छोड़ के आ जाने के लिए मुंबई वंद बाबा ने सुना प्रोटेक्शन में मिलिया कन्या वंद तनिया पोग मुड़िया दो तो उधर नींग फोन उठा ना तो और माता को लगा नींग फोन आ गया ना अदर ना नींग फोन उड़ देखो और माते वेड मिलिया ना बाबा के तरफ ना हाँ उसका पूरा उन लोगों ने डेट आप बताने सर्टिफिकेट वेड म ये तो बहुत सहयोग करते है भाई वो ब्रेन के लिए ये तो चाचा है चाची का ब्रेन उसका जो खुद का रही वो ये भाई का पति बात नहीं करना चाहते वो बोल के रख दिया इधर पे ये भाई का पति बात नहीं करना चाहते क्या करे लेकिन माँ का भी इतना शांति रहता है वो क्यों ऐसा करते पूछ रही है भाई मेरा आपको कड़क होना चाहिए माँ बाप का और खड़क माँ मृदुल अम्मा चलने बोलते अभी इसमें मैंने याद है ना अप्पा चलने बोले प्रो अभी ना ऐसा मना कर देते हैं अप्पा ऐसा में स्ट्रांग था ना अम्मा भी ऐसा में मैंने याद है तेरा वेला तो कौन कोई रफ तो कुछ भी बात नहीं होता इतना तो झगड़ा वगड़ा होती है उसका घर में वो इतना क्रोध होते ही उनका बाप करके बोल रही है भाई दो साल हो गए नान में आके इतना सारा है अभी तो इंग्लिश को फ्री आई थी ना बाप मिलना फ्री हो गया इसलिए तो बाप मिलना चाहते भाई बोल रहे अभी तो मैं फ्री हो गया मैं पूछा था बाबा अभी बाबा का पास सब कुछ चलू चलिए ना फ्री हो गया सर ना फ्री हो गया सर அங்கிருந்து மாதிரி வரும்போது பஸ்ல வரும்போது நல்ல குஷியா இருந்தது பஸ் அங்கிருந்து வந்து நாலஞ்சு மணி நேரம் இருக்கு அப்படி வந்து அப்படியே பாபா வந்துருக்கே நம்மளுடைய இதுக்கதான் பாபா சொன்னாங்களே பெரிய தமிழ்ல எல்லா கேள்வி கேட்க முடியுமா சபாதா பாரி சபாஜி எங்க ஏரியால வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பயனுட்டாக சேர்ந்து வர முடியும் அது எப்படின்னா அது வந்து அகிம்சையர்ன்னு சொல்றாங்க எல்லா இடத்துலயும் அகிம்சையை போனா செய்ய முடியாது வந்து ஒரு சில இடங்களை வந்து அந்த எங்கள் ஏரியாவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டுன்னா ஏதாவது ஒரு சில விஷயம் அடிக்கலாம் ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை அடிக்கலாம் அப்போ நாங்கள் ஒரு சில பேர் டைரியில் ஃபைட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அது எப்படி பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஏற்பட்டு इधर जो एक एक जगह में अहिंसा हो रही तो उधर हम नहीं वो करना चाह रहे थे भी हम अहिंसा वाली हम भी बन जाते वो क्यों करके बहुत पूछ रहे हिंसा हो रही हाँ हिंसा हिंसा कर रही और सब टाइम के लिए हम अहिंसा से ही उम्मीद मारते आप हम बाइट करने को नमन बाइट करने के लिए आता है हम भी बाइट करना पड़ता है वो क्या करे करके बाबा हमला करते इसको प्रभुगल में ना इधर कौन था ना तो इंदे वो सुनते हैं इंग्लैंड का इसका टाइम लो बाइट नहीं देंगे ना अरे ये साथ ही इंग्लैंड लाइन से मैं बोल माँ ये क्या कुछ है किसी किसी जगह में तो फाइट करने की वो फेस कर सकते हैं कुछ भी और ऐसा टाइम में हम क्या करने करके पूछ रहे फटाफट मत आजा
ஓடி போங்க சொல்றாங்க பாபா ஓடி போனா அப்புறம் அந்த இடத்துல சீக்கணும் அந்த இடத்துல வாழணும்ங்களா ஐசா செலாங்கிறது உதவம் ஜீவன் ஜீனா ஹைனா சர்க்கே பூச்சுறேன் உலகமும் சொல்லக்கூடியது ரொம்ப பெரியதாக இருக்கு அப்புறம் வந்து வாழ்வில்லைன்னு வாழ்க்கை வாழ்வில்தான் ஆகணும் எல்லா இடத்துலயும் எனக்கு சூழ்நிலை மோசமா தானே இருக்கு அந்த இடத்துல தொழில் இருக்கு எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கும் போது அந்த இடத்துல சின்ன பிரச்சனைனா மாறி மாறி வந்த மாதிரி தான் அப்புறம் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் बाबा ये भाई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ये तो ऊटी में तो बहुत सारा इनको तो उधर कंपेनियन प्रेस बहुत ज्यादा है लेकिन उधर तो माता कन्या ही पोरते ना करके बोल रही है लेकिन मैं उधर जाके कैसा सेवा करूँगा तो ये भाई पूछ रही है उधर मॉडल में इसका तो बहुत सहयोग आत्मा उधर ही बीच बहुत फ्रेंड्स है इसका लेकिन उधर आश्रम में वो बहुत साल था उधर इसलिए वो क्या पूछ रहे उधर तो कैसा मैं जाके सेवा करती हूँ बाबा ने बोल दिया माता कन्या के लिए सेवा के लिए हुई थी लेकिन मैं जैसा सेवा कर रही हूँ भाई ब्रदर्स को कोई सुनूंगा सुन रहा ब्रदर्स को ब्रदर बोल सकते हैं ना ब्रदर्स को तो ब्रदर्स को चलने मुझे मत वो उधर रहने वाला कन्या माता के लिए क्या करे करके पूछते हैं Thank you.
सोमनाथ मंदिर में ऊपर शिवलिंग है, उसमें उसमें हीरा कर दिए। मंदिर में शिवलिंग था, उस शिवलिंग में ऊपर हीरा जड़ा हुआ था, पूरा जड़ा हुआ, बीच में शंकर का मूर्ति बन रहे, तो ऊपर शिवलिंग है, वो शिवलिंग ये शंकर का शरीर है, तो नीचे ऊपर की स्टेज और नीचे की स्टेज, जब उनकी स्टेज में जाएगा तभी तो ऊपर की स्टेज बनेगी, कि बिना जाए बन जाएगी। शंकर भी याद में बैठा है ना, इससे क्या साबित होता है? शंकर को याद क्यों बैठा हुआ दिखाया गया है? ये नीचे स्टेज में है ना, पुरुषार्थी स्टेज में है, और याद की स्टेज में जब सदाकाल के लिए टिक जाए तो उनकी स्टेज में, उनकी स्टेज में है, इसलिए लिंब ऊपर दिखाया गया और उसमें बिंदु दिखाया गया, बिंदु है याद के रूप में उसमें समाया हुआ, और लिंग है उस देह की यादगार, जिस देहधारी को देहधारी होते हुए भी अपनी इंद्रियों का भान नहीं, तो उनकी चीज में दिखाया गया। तीन मूर्तियां हैं, एक बकरी, एक घोड़ा, एक शेर है। इसको क्या कर सकते हैं? जो सारे जंगल के ऊपर, संसार रूपी जंगल के ऊपर अधिकार जमा ले, मालिक बन के बैठ जाए, वो है शेर। दूसरा है मन रूपी घोड़ा, बहुत आगे पीछे दौड़ता है, नशा करता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर नशा टूटता है तो बहुत पीछे चला जाता है। तीसरा है बकरी, जिसने कान पकड़ लिया तो उसी भी कंट्रोल में हो जाता। ब्रह्मा ने पकड़ा तो ब्रह्मा के कंट्रोल में, ब्रह्मा कुमारियों ने पकड़ा तो ब्रह्मा कुमारियों के कंट्रोल में। अगर एडवांस पार्टी ने कहीं कान पकड़ लिया तो उसके कंट्रोल हो जाए। कान पकड़ना मन ज्ञान सुना देना, कान पूर देना, ऊपर चले जाएंगे आपकी स्थिति न बना पाने के कारण ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो पापात्मा ऊपर चले जाएंगे, पुण्यात्मा ऊपर चले जाएंगे, पापात्मा चले जाएंगे ऊपर, ऊपर चले जाएंगे माने शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब है? इस दुनिया में शरीर छोड़ना पड़े माने ऊपर चले जाएंगे,
तो आधे कहाँ हुए, वो तो बहुत से भी छोड़ने वाली इस दुनिया में, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पुरुषार्थियों की बात है, पुरुषार्थी जीवन में कोई तो पुरुषार्थ करते हैं और सब उन्हें पाप भी चढ़ाते जाते हैं, क्या ज्ञानी में भी करते हैं और पाप करते हैं तो सगुना पाप चढ़ जाता है, और कोई ज्ञान में ऐसे चलते हैं कि पाप कम करते हैं और पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं, तो दो प्रकार की मालाएं बनी हुई है। एक है विजय माला जो विकारों पर विजय पाती जाती है, क्या विजय पाती है, और दूसरी है रुद्रमाला। रुद्रमाला विकारों पर विजय पाती है, पूरा नहीं, पूरा क्या अधूरा पाती है, अधूरा भी नहीं पाती, पूरा भी नहीं पाती। इसलिए रुद्रमाला भले पहले बनती है ज्ञानियों की माला, फिर भी नंबर पीछे रह जाता है, आगे कौन बढ़ जाती है, विजय माला। इसलिए जो रुद्रमाला है वो कौन से स्वभाव संस्कार की है, राजा है जो होते थे वो स्त्री स्वभाव के थे या पुरुष स्वभाव के थे, और सब पुरुष है दुर्योधन दुशासन, इसलिए वो पापात्माएं हैं, जन्म जन्मांतर उन्होंने बहुत पाप किए। राजाएं जब राजा बनते थे तो अहंकार में आकर के कितने पाप करते थे, बड़ा आदमी ज्यादा पाप करता है या छोटा आदमी, बड़ा आदमी बड़े पाप करता है, कि रानियां ज्यादा पाप करती थी, रानियां पाप नहीं करती थी। तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब यहाँ आकर के क्लियर होता है। रुद्रमाला की मन के पूर्व स्वभाव संस्कार के होने के कारण वो सब है दुनिया दुशासन भक्ति वाले, इसलिए वो है पापात्मय आदे और वो है पुण्यात्म। पापात्माओं को लंबे समय तक तपस्या करनी पड़े अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, और जो पुण्यात्माएं हैं वो सुखधाम में आनंद करेंगी। सुखधाम कहाँ होगा और तपस्या धाम कहाँ होगा, माउंट आबू में तपस्या धाम, माउंट आबू में होगा तपस्या धाम, और दिल्ली में होगा जमुना के कंठे पर होगा सुखधाम। ये कहावत बनाई हुई है, तप कर राज, राज कर नरका, तपस्या करके राजा ही पाते हैं, जब राजा ही पाते हैं तो नरक में गिरते क्योंकि पाप बहुत करते हैं। तो ये सूत्र यहाँ होती है, बार बार तपस्या भूमि में जाएंगे, तपस्या करेंगे फिर पाप करेंगे, फिर मारा मारी की दुनिया में जाएंगे, मारा मारी की दुनिया में नरक में जाकर के फिर सेवा करेंगे, सेवा भी करेंगे तपस्या भी करेंगे, करते 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 आखिरी आत्मा नंबर बार पवित्र होती जाएगी और विजय माला के मण के ऐड होकर के विजय माला तैयार हो जाएगी। भाई जी एक में खराब थी, मैंने सभी ब्रह्मा महाराज के अंदर शिवा को प्रवेश किया। नहीं, 48 में कराची में रहते हुए 47-48 में ब्रह्मा में जब शिव ने प्रवेश किया तो मुरली चलना शुरू हुआ, इसलिए मुरली मोला कराची से मुरली निकलती चली आई है, ये नहीं कहा कि हैदराबाद से मुरली निकलती चली आई,
कराची से मुरली निकलती थी, मुरली कब चलती है? जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ। तो जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम क्या रखता हूँ? ब्रह्म। ब्रह्मा नाम प्रसिद्ध हुआ। पहले छोरों को पता चला, फिर बाद में बहुतों को पता चला, बाद में उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ब्रह्मा और ब्राह्मणों को मानने वाले के हिंदुस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान लोग तो इन बातों को मानते नहीं, इसलिए कराची छोड़ दिया और हिंदुस्तान में और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम प्रसिद्ध हो गया। जब वाणी छपने लगी तो ब्रह्मा भक्त से वो सेवा करने के लिए बाहर जाने लगे तो उनको कुछ मसाला चाहिए, तो जो मुरली चलती थी माउंट आबू में वो छपा दी जाती थी, उसकी कातियां निकलती थी और बांट दी जाती थी आलिंग। तो 18 साल तक ये काम चलता रहा। 51 से लेकर 68 तक। भगवान विजयमाला मणि है पुण्यात्मा। विजयमाला जिन्होंने साथी जीवन में विकारों पर विजय पाने की खुशी जाने की विजय पाते हुए, तो आधा जन्म पुरुष जन्म लेता है, आधा जन्म स्त्री जन्म भी लेता है। ज्यादा योग कौन लगाते हैं, ज्यादा याद कौन करते हैं? वालों ने अभी ज्ञान ही नहीं लिया, ज्यादा याद कहां से करेंगे? रुद्रमाला वाले ज्यादा याद करते हैं। ज्यादा याद करते हैं तो उम्र ज्यादा लंबी किसकी होती है? रुद्रमाला वालों की लंबी ज्यादा उम्र होगी। यानी कि लंबी उम्र होगी वो पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? पुरुष होते हैं। तो रुद्रमाला के मन के जो है उनमें ज्यादातर है पुरुष जन्म लेने वाले, और विजयमाला वाले हैं स्त्री जन्म लेने वाले। कहां सत्यों को त्रेता में तो बराबर जन्म होते हैं, आधा जन्म स्त्री के आधा जन्म पुत्र के, फिर द्वापर से बिगड़ जाता है क्रम। लेकिन जो सत्य व त्रेता की 21 जन्मों में जो प्राप्ति की है, प्राप्ति तो है संगम युग की, तो जितने जितना ज्यादा याद किया वो याद करने की जो पुरुषार्थ की शक्ति है वो वहां भी भक्ति के रूप में चलती है। कहां वापस करो, तो जितना ज्यादा याद भक्ति में भी तो याद तो करते हैं भगवान को, जानते नहीं है और भगवान दान पुण्य भी करते हैं, भावना तो होती है ना, तो वो 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो रुद्रमाला के मन के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं वो पुरुष के जन्म ज्यादा लेते हैं, और वो तो त्रिमूर्ति में रूप ही कौन सा बताई दिए, हर तीनों का शेर का रूप बताया गया है, आदिमता का रूप बता दिया। बाप राजयुग सिखा करके स्वाधीन बनाने के लिए आए हैं, राजा बनाने के लिए आए हैं या रानी बनाने के लिए आए हैं? राजा बनाने के लिए आए। ये बात जरूर है कि बाबा कहते हैं कि सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी सन्यासी हमारे साथ नहीं है,
तो पवित्रता की पावर भी नहीं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कौड़ों में, जब निकलेंगे तो हमारी ये हो जाएगी। तो वो सन्यासी सहयोगी है, हेल्पर्स है। जैसे गृहस्थी जीवन में स्त्री हेल्पर होती है या ट्रेनिंग सब कुछ होती है, हेल्पर होती है, तो हेल्प करते हैं इसलिए आधा हिस्सा उनको मिल जाता है। बाकी ईश्वर की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान, तो ज्ञान को उन्होंने पहले थोड़े ही पकड़ा है। ज्ञान को कौन पकड़ते हैं, पति का आत्मा ही पकड़ती है या सन्यासी पकड़ते हैं? पति का आत्मा ज्ञान को पहले पकड़ लेती है, ज्ञान के आधार पर परमात्मा को पहचान लेती है। ये सब ड्रामा बना हुआ है, कर नहीं सकते हैं। तो बाबा ये द्वापर कलयुग में विजयमाला कम जन्म ले लेंगे, पुरुष जन्म ले लेंगे। विजयमाला जो है, विजयमाला के जो रानी बनने वाले मणके हैं वो आत्मा स्त्री चोले ज्यादा ग्रहण करेंगे। तो उस पुरुष जन्म में क्या वो पाप नहीं करेंगे बाबा? नहीं, पुरुष जन्म करेंगे लेकिन स्वभाव संस्कार तो उनके वो ही विजयमाला के ही रहेंगे ज्यादातर। आदि में दादा लेखराज को साक्षात्कार होते है ना, वो गीता माता से बताया, गीता माता के पास आकर वो गीता माता देवराम के बताने के समय रात के समय बताया या दिन के समय बताया? गीता माता ने सुनने सुनाने का काम किया या समझने समझाने का काम किया? तो सुनने सुनाने का काम भक्ति मार्ग है, अंधियारा है या रोशनी है? अंधियारा। विष्णु देवता विष्णु विष्णु दो विषयता दो विषयता उसका वासना विकार है ही नहीं, नहीं नहीं। इंद्र कौन? वो राजा बनता है। जो संगम युग में अपनी इंद्रियों के ऊपर राजा ही करके दिखा दे वो इंद्र है। वो इंद्र ये देवता का राजा बनता है। देवता कहा जाता है? ज्ञान जल की बरसात करता है। अब संगम युग में ज्ञान जल का बरसात है, देवताओं का राजा कहा जाता है। विक्रमादित्य शिवलिंग बनाया, पूजा किसने बताया? विक्रमादित्य भाई नहीं, उसका बाप कहो या उसका गुरु कहो, राजमंत्री विक्रमादित्य का बाप कहो अथवा विक्रमादित्य का गुरु कहो, उसने उसको रास्ता बताया कि मंदिर बनाओ पूजा करो। तो लेकिन वो गुरु पूजा नहीं करते, तो रास्ता बताया उसने, इसलिए भक्त हुए है ना बाबा है, बताइए मानो भक्त हुई है ना होगी। किसकी पूजा की? जो
केला था उसने तो गुरु की पूजा की। गुरु कैसी पूजा करेगा उसी जन्म में? नहीं तो उसके पहले, उसके पहले तो कोई गुरु था ही नहीं। नहीं है संगम युग में भी उसका गुरु कौन होता है? संगम युग में भी उसका कोई गुरु नहीं, तो द्वापर की आदि में भी उसका गुरु कोई है नहीं। संगम युग में वो साकार में किसी की पूजा नहीं करता, चिरौली नहीं करता, और वहाँ भी किसी की पूजा नहीं करता, चिरौली नहीं करता, लेकिन आगे जन्म से भक्ति करते हैं ना भगवान। आखिरी जन्म में तो सबको पति तो बनना ही है। सचिव राधा कृष्ण जन्म ले तो दूसरा है ना कि सवा दो लाख सवा दो लाख को उसका भी जन्म देता है ना, वो सब 2036 में जन्म लेंगे ना? नहीं, बाद में इकट्ठे आ जाएंगे क्या ऊपर से? बाद में नहीं, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे जन्म लेंगे। पहला जन्म पूरा होगा और सवा दो लाख ऊपर से वो 4.5 लाख ऊपर से उतर आएंगे जन्म लेने वाले और 4.5 लाख उतर आएंगे जन्म देने वाले। जन्म देने वाले भी उठ रहे उतरे ऊपर से और जन्म लेने वाले भी ऊपर से उतरे। तो किस टाइम तक के लिए चलेंगे पूरा कब करे कब पूरा पहले जन्म पहले जन्म पहला जन्म पूरा हुआ अब 9 लाख की अवधि पूरी 2036 की 9 लाख होते हैं जन्म, लेकिन बच्चों के रूप में जन्म नहीं ले सकते क्योंकि बच्चा बनने के लिए 5 तत्व तो कैसे चाहिए? तत्व प्रधान दुनिया में 5 तत्व तो होंगे, जड़ तत्व तो होते हैं, जड़ तो मई बुद्धि है, कैसे पावन बनेंगे भाई? तो दुनिया में 500-700 करोड़ तो 36 के लगभग और 7 रोज का विनाश होने से पहले 500-700 करोड़ तो है तमो प्रधान। तो दुनिया में तमो प्रधान वाइब्रेशन ज्यादा होंगे या तत्व प्रधान वाइब्रेशन ज्यादा होंगे? माना 2036 तक तमो प्रधान वाइब्रेशन बढ़ेंगे या घटेंगे? अरे ऊपर से उतरने वाली आत्माएं कब तक उतरती रहेंगी? नहीं मालूम क्यों नहीं मालूम? अरे आखिर तक आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है कि नहीं उतरती? आखिर तक को माना काम तक पूरा विनाश पूरा विनाश होने तक नहीं है। 36 नहीं है टाइम, 2036 टाइम नहीं है, 2036 जब तक संगम युग है तब तक ये दुनिया भी रहेगी और ज्ञानी की दुनिया भी चलती रहेगी। ज्ञानी भी रहेंगे या ज्ञानी भी रहेंगे, लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा बढ़ता रहेगा? तमो प्रधान दुनिया का प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है वो जड़ तत्वों को सात्विक बने देंगे। ये शरीर के 5 तत्व जो है वो तत्व प्रधान बने पाएंगे? 5 तत्वों में तो बुद्धि नहीं है, आत्मा चैतन्य में बुद्धि है, तो सुधरेगा कौन? आत्मा सुधर सकती है ज्ञान से, जड़ तत्व तो नहीं सुधरेंगे। वो कब सुधरेंगे? जो दुनिया के जितने भी तामसी हैं वो सब वापस चलेंगे, तो वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगेगा शुद्ध आत्माओं से, तो 5 जड़ तत्व भी शुद्ध होंगे। शुद्ध जड़ तत्व होंगे तो बच्चे का जन्म होगा वो भी शुद्ध तत्वों से होगा। लेकिन संगम में कम होगी इसके अंदर होंगी है इसके अंदर संगम में वो तो प्रवेशता की बात है, वो इकट्ठा होती है, वो तो बाप के अंदर बच्चा प्रत्यक्ष होता है, बाप की जयंती और बच्चे की जयंती इकट्ठी संगठना बनती है ना बाबा? संगठन तो अभी भी बन रहा है,
अभी नहीं बोला हुआ है, आगे जमाने में जो तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दिए वासुदेव के लिए। और वासुदेव के साथ जुड़े हुए कोई और होंगे कि नहीं होंगे? अब वो देवता होंगे या सदैव तो उनकी प्रजा भी तो होगी, क्या अकेले देवता होंगे? बिना प्रजा के तो कोई होते ही नहीं। राजाएं होंगी तो प्रजा भी होगी। जो छत्तीस चिंता इसलिए होती है वो समझे बैठे थे कि बच्चे के रूप में कृष्ण हमको खिलाने को मिल जाएगा। दुनिया में छत्तीस तक रहना पड़ेगा। जितने अंत किया उतने सब कुछ किया, सब कुछ प्राप्ति करनी है तो अंत तक रहना भी चाहिए। अरे दुखो दुखी होने वाले दुखी होते रहो, हम तो जाते अपने दम। कल्याणकारी वृत्ति हुई है। विश्व कल्याणकारी किसे कहेंगे? सारे विश्व का कल्याण करके जाना है। तो 2018 में सब माउंट आबू चले जाए, सब सब कांति धाम चले जाएंगे। अभी माउंट आबू भेजा जाए तो कौन कौन जाने के लिए तैयार? अभी माउंट आबू में सेवा करने के लिए भेजा जाए तो कौन जाने के लिए तैयार बताओ? माउंट आबू सेवा कौन पीछे अच्छा मकान मिलेगा, स्थान मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, सब मिलेगा, वो कोई चिंता नहीं का। మరి ఎవరిని కాకపోతే ఎంత వింటామి కోయ్ తయారు నేను ముప్పై యాభై 2040 వరకు ఉంటారు ఇక్కడ ఇంకా అయితే తయారు కాకపోతే 30 कहते नई दुनिया कब बनेगी? अरे नच्चू हुआ होंगे तब नई दुनिया बनेगी, पहले ही बन जाएगी। నామ నోట్ కర్ లో ओ ब्राह्मण धंधा लेके बैठे ब्राह्मण अंदर अंदर
चलो एक तो निकला ऐसे तो नहीं पति में कोई नहीं है క్లాస్ లో కూర్చున్న ప్రశ్న వేసుకుంటే నీకు అడగమంటే ఏమనంటారు చేస్తున్నారని బాగా చెప్తారు देखा नहीं लेकिन मामा मुझे नहीं पता मामा आधा तक बाद में आएंगे या पहले आएंगे वो तीनों को देखा ना किसने देखा उम्र आदे देखा मुर्गी में पानी लेना मामा मामा पापा को दिल कराती थी हाँ तो बाद में देखा तो जरूरी थी उसी समय देखा उसी समय नहीं मामा बाद में देखा लेकिन मोमराधा मामा ने शिवा प्रवेश का नहीं ना बाबा लेकिन चतुर्भुजी विष्णु ने पहली भुज होगी ना मामा पहली भुज होगी ना अरे शिव भुजाओं में प्रवेश करेगा लेकिन चार मुखी ब्रह्मा पांच मुखी ब्रह्मा में ये होती है ना भुजा राधाजी को भक्ति मार्ग में जाते हैं जनमान की बात हो रही है चतुर्मुखी ब्रह्मा को चतुर्भुज विष्णु को एक ही भी होता है ना बाबा विष्णु को एक मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को चार मुख दिखाते हैं और रावण को दस मुख दिखाते हैं क्या मतलब हुआ विष्णु भुजाओं से सहयोगी बनता है लेकिन अपन अपनी मनमत नहीं चलाता है एक कीमत पर चलता है रावण दस तरह की अकल चलाता है दस तरह की बुद्धि बनाती है माया और भुजाओं से भी एक का सहयोगी नहीं बनता है दस मुख है तो दस मुखों का सहयोगी बनती है भुजा तो एक धर्म एक राज्य कैसे स्थापन होगा एक की अकल पर एक की बुद्धि पर एक की मत पर चलेंगे तब स्थापन होगा या दस बुद्धियों के आधार पर चलेंगे तब स्थापन होगा हो गया